अब रुक करते दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट का। आपको बता दें कि राजनीतिक नियुक्तियों में गहलोत का अंकगणित, मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियां, संसदीय सचिव, तीनों में दिखेगा अंकगणित। 105 से अधिक विधायकों को किसी न किसी रूप में एडजस्ट करने की तैयारी। किसी न किसी रूप में मंत्री पद या मंत्री पद की सुविधाओं से लाभान्वित होंगे विधायक। लगभग 20 संसदीय सचिव बनाए जाने की तैयारी। राजनीतिक नियुक्तियों में बड़ी संख्या में विधायकों के नाम शामिल। कई विधायकों के रिश्तेदारों के नामों को भी किया गया है शामिल। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 105 विधायकों को मिलेगी सत्ता में भागीदारी। इस कवायद में कांग्रेस के सभी गुटों क्षेत्रों को मिलेगा पूरा प्रतिनिधित्व। निर्दलीय और बसपा विधायकों के हित भी है गहलोत के ध्यान में। तो बेहद अहम खबर इस वक्त आपके सामने और राजनीतिक नियुक्तियों से जुड़ी ये खबर। अगर हम देखें तो मंत्रिमंडल विस्तार की बात करें या राजनीतिक नियुक्तियों की या संसदीय सचिव, तीनों में आपको एक अंकगणित नजर आएगा। 105 से अधिक विधायकों को किसी न किसी रूप में एडजस्ट करने की तैयारी है और कोशिश और कवायद यही है कि जब राजनीतिक नियुक्तियों के नाम सामने आएंगे तो उनमें 105 विधायकों को किसी न किसी रूप में एडजस्ट किया हुआ नजर आएगा। किसी को पहले ही मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान मंत्री पद दे दिया गया या फिर मंत्री पद की सुविधाओं से लाभान्वित करने की कोशिश और कवायद यहां पर भी नजर आ सकती है, ऐसा कुछ समीकरण बैठ रहे हैं। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, देखिए अंकगणित का असर यहां पर भी नजर आएगा। देखिए, बहुत लंबे समय से ये सवाल था कि मंत्रिमंडल कैसे होगा, कब होगा, और बहुत लंबे समय के बाद मंत्रिमंडल हुआ। कोरोना तमाम चीजों के बाद ये हुआ कि मंत्रिमंडल में कैसे हिसाब किताब बैठेगा, किसको हटाया जाएगा। कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं जिन्होंने केवल उन 3 मिनिस्टर्स को ड्रॉप किया जो ऑलरेडी संगठन में बेहतर भूमिका निभा रहे थे। जैसे डोटासरा की बात करें, अगर रघु शर्मा जी की बात करें, या फिर हरीश चौधरी, जिनको आलाकमान ने किसी और जिम्मेदारी के लिए दिया। उसके अलावा किसकी परफॉर्मेंस कैसी भी हो, लेकिन किसी को भी ड्रॉप नहीं होने दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री उस दिन के एहसास को अच्छे से समझते हैं कि जब बाड़ाबंदी हुई थी या जब सरकार में क्राइसिस था तो कैसे वो लोग साथ में खड़े हुए। लेकिन अब बात करते हैं कि अंकगणित की। अब बहुत लंबे समय से एक खबर थी कि भाई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री ने सारी चीजें सोनिया गांधी के ऊपर छोड़ दी थी कि सोनिया गांधी जब जैसे कहेंगी वैसा होगा। लेकिन दिल्ली और जयपुर के इस डिस्कशन में और तमाम चीजों में काफी लंबा समय निकल गया। लेकिन अब 31 जनवरी को लिस्ट जयपुर आ चुकी है, करीबन 100 लोगों से अधिक लोग हैं। लेकिन इसमें रोचक बात ये है कि किसी को भी नाराज ना किया जाए, सबको सत्ता में भागीदारी दी जाए, और ना सिर्फ विधायक लेकिन कार्यकर्ताओं को भी भागीदारी मिले, और पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट और संसदीय सचिवों में कैसे हो। इन तमाम चीजों का बहुत मंथन होने के बाद अब जो अमृत निकला है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा करीबन 105 से 110 विधायक तो ऐसे ही हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाभान्वित होंगे या सत्ता में भागीदारी होगी उनकी। सत्ता में वो अपनी बात रख सकेंगे और अपने इलाके की जनता के लिए किसी ना किसी रूप में काम कर सकेंगे, क्योंकि वो सत्ता में डायरेक्टली इनडायरेक्टली भागीदार होंगे। आपको मैं बता दूं कि जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है उसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का इशू था, लेकिन उसको भी बेहतर तरीके से और लीगल तरीके से देखा गया है, और करीबन बहुत बड़ी मात्रा में विधायक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट मिल रहे हैं। और इसके अलावा उनके रिश्तेदारों को भी, जैसे कई विधायकों के माता पिता, भाई, भतीजा को भी अपॉइंटमेंट मिल रहे हैं। यानी कि किसी न किसी रूप में आप सत्ता में जुड़े हैं और आप अपने इलाके में अपने लोगों का काम कर सकेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की यही शिकायत होती है कि अगर हम सत्ता में भागीदार नहीं है तो हम अपनी जनता को कैसे लाभान्वित करें। और ये तमाम चीजें हैं। अब बिल्कुल तमाम चीजें अदिति, अब देखना ये भी होगा कि जब लिस्ट फाइनल होकर सामने आएगी तो किस किस के नाम होते हैं। हालांकि अंकगणित का असर इस पे देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।